हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सुमो यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घोस्ट टच के बारे में। तो ये घोस्ट टच नाम सुन के कुछ अजीब सा लगता है कि भूत आके आपका किसी टच करेगा किसी को, तो ऐसा कुछ सुनने को लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये जो घोस्ट टच है ये एक्चुअली एक टेक्निकल फॉल्ट है आपके फोन के अंदर। एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि लगता है जैसे कि कोई भूत आके छू रहा है। तो ये एक्चुअल होता कैसे ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा एक फोन है, ये J7 फोन है। तो अगर इसमें घोस्ट टच का प्रॉब्लम आए तो ये कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए जो होगा कि मान लीजिए कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, तो अगर आप शायद देख पा रहे हो तो यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, तो कहीं पे अगर ऑटोमेटिकली टच होना शुरू हो जाए, जैसे कि ये पैटर्न है ऐसे 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 ऑटोमेटिक होने लगा, मैंने कुछ किया भी नहीं और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम घोस्ट टच। यानी कि किसी भी जगह पे ऐसे ही टच होते रहना, कोई कुछ नहीं कर रहा है ऐसे ही टच होते रहना। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये कभी कभी ऐसा ही भी लगता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम एक्चुअल क्या कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभी ये हो जाता है कि आपका जो टच स्क्रीन है, जैसे कि हमारे जो ये फोन है, इस फोन का टच स्क्रीन है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि आपके फोन के अंदर कैपेसिटर कभी कभी चेंज हो जाता है, किसी किसी जगह पे कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन में कैसे काम करता है ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो आप इतना मान के चलिए कि कहीं किसी किसी जगह पे आपका जो कैपेसिटेंस है उस स्क्रीन का वो चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, हाथ देने से नहीं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है जो टच स्क्रीन का कैपेसिटेंस को चेंज को मेजर करता है, जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, वो माइक्रो कंट्रोलर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। उस केस में आपको जो घोस्ट टच का प्रॉब्लम है ये देखने को मिलेगा। तो ये घोस्ट टच का प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम ना भी हो, तो उस केस में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सिंपल एक फिक्स है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कुछ करने के लिए है नहीं, आपको सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन गार्ड है, जैसे कि ये मेरे उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, अगर ये स्क्रीन गार्ड के नीचे कुछ फंस जाए, किसी भी धूल मिट्टी कोई भी फंस जाए, तो उस केस में आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, इस घोस्ट टच का प्रॉब्लम। तो आप अगर उस केस में ऐसा होता है तो आप पहले एक काम कीजिए कि आप आपके फोन के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है उसे निकाल दीजिए, फिर आपके फोन को टच करके देखिए कि वो घोस्ट टच का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो कुछ करने को है नहीं, आपको फोन को सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा। तो घोस्ट टच का प्रॉब्लम इसे भी एक और तरह से भी हो सकता है कि किसी जगह पे, पर्टिकुलरली किसी जगह पे क्या हो रहा है कि वहां पे टच करने से भी कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसी जगह पे कुछ इस तरह की जगह में अगर मैं टच कर रहा हूं तो कुछ हो नहीं रहा है, इसे भी घोस्ट टच के प्रॉब्लम के अंदर ही लाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि घोस्ट टच के प्रॉब्लम क्या होता है। तो अगर आप कभी सुनोगे घोस्ट टच तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से एक लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो घोस्ट टच से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियो लेके रोज अपने चैनल में आता रहता हूँ। और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर किसी को जानना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।